हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसी यूरोपियन ट्रैवलर्स। मैं करिश्मा रहती हूँ नीदरलैंड्स में और यहाँ के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं आज फिर से आई हूँ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। आपने अगर मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो मैं लास्ट ब्लॉग में एक्शन में आई थी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, जिसमें मैंने सीरीज़ खरीदी थी और घर के लिए काफ़ी सारा डेकोरेशन का सामान खरीदा था। लेकिन मैं लास्ट ब्लॉग में जो शॉपिंग करने आई थी तो मैं कुछ चीज़ें लेना भूल गई, जैसे कि फुलझड़ी और कुछ पटाखे। तो मैं लिस्ट में लिख के लाई थी लेकिन मैं भूल गई वो लेना। तो आज मैं वही एक्शन में आई हूँ सामान लेने के लिए। और फिर मैं यहाँ से इंडियन स्टोर भी जाने वाली हूँ, जहाँ से मैं दिए ख़रीदने वाली हूँ और दिवाली के लिए कुछ मिठाइयाँ ख़रीदने वाली हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं ख़रीदूँगी। और मैं आपको भी दिखाऊँगी कि नीदरलैंड्स में जब हम दिवाली मनाते हैं तो हम कैसे शॉपिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो चलिए मेरे साथ। तो अभी आ गई हूँ मैं स्टोर के अंदर और मैं फटाके ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलिए ढूंढते हैं मेरे साथ। तो अभी अभी जस्ट एक्शन से बाहर निकली हूँ, एक्शन स्टोर से पूरा स्टोर ढूंढ लिया, पटाखे कहीं नहीं मिले। लास्ट ईयर तक यहाँ पे पटाखे मिलते थे, फुलझड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन इस साल पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। तो अभी चलते हैं दूसरी शॉप में और दूसरी शॉप में ढूंढते हैं कहाँ मिलेगी फुलझड़ियाँ। तो अभी मैं जा रही हूँ हैमस्टर लिविंग के कश्मीरी शॉप में, देखते हैं वहाँ पे फुलझड़ी मिलती है या नहीं। अभी तो मैं एक्शन ढूंढ लिया, सारी स्टोर्स ढूंढ लिए, वहाँ पर तो मुझे फुलझड़ी नहीं मिली है। अभी लास्ट होप है कश्मीरी स्टोर, जो कि है एम्स्टरडैम में, देखते हैं वहाँ फुलझड़ी मिलती है या नहीं। रोड के साइड में आपको दिख रहे होंगे ये ब्यूटीफुल से पेड़, जो अभी पीले हो चुके हैं क्योंकि अभी फॉल का सीजन चल रहा है। तो ये टाइम पे सर्दी थोड़ी बढ़ने लगती है, हल्की हल्की शुरुआत होती है ठंड की। और ये जो ऑटम में ये सारे पत्ते जो है पीले और रेड कलर के होके ये गिर जाते हैं, जिसको फॉल का सीज़न बोलते हैं। अभी फॉल का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, देन उसके बाद बहुत ज़्यादा वाली ठंड पड़ेगी। तो ये जितना भी अभी ग्रीन दिख रहा है अभी ये पूरा सूख जाएगा जब विंटर आएगा। तो और लेकिन ये आसपास देख रही हूँ मैं, बहुत प्यारा और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो जी इतना घूमने के बाद मैं फुलझड़ियाँ मिल गई है। ये जो मेरे पीछे कश्मीरी स्टोर दिख रहा है वो एम्स्टरडैम में है और अभी बहुत बारिश हो रही है, मुझे फुलझड़ी मिल गई है। मैंने 2 पीस ले लिए फुलझड़ी के। और अभी चलते हैं मिठाई लेने के लिए, वहाँ पे मिठाइयाँ नहीं थी और बारिश बहुत हो रही है। मिल गई फुलझड़ी।
तो आ गया है अभी इंडियन स्टोर। आपको ये वाली स्ट्रीट याद होगी, अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो कर रहे होंगे तो मैं यहाँ पे आई थी इंडियन किचन में इंडियन खाना टेस्ट करने के लिए, आपको याद होगा। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और आपको मेरे पीछे स्पाइस इंडियन शॉप दिख रही होगी, अभी वो शॉप में चलते हैं और वहाँ से मिठाई लेते हैं। अभी शॉप के अंदर आ गई हूँ मैं, और यहाँ शॉप के अंदर आते ही यहाँ पे इतनी सारी चीजें थी जो आपको दिवाली के लिए बहुत जरूरी लग सकती है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये दिए, ये तोरण छोटे छोटे जो हम दरवाजे के पास डेकोरेशन कर सकते हैं, दिए थे, मिट्टी के दिए हैं और कलरफुल दिए भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये घंटी बहुत प्यारी दिख रही है, और मतलब मिठाइयाँ और डेकोरेशन की चीज़ें, मतलब जो जो चीज़ें आपको दिवाली में आपको लग सकती है कि ये बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ पे सब सब चीज़ें मिल रही थी और मिठाइयाँ भी थी और रंगोली के डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं, मिठाइयाँ है, काजू कतली है, लड्डू है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब जिसे कहना चाहिए कि यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है, मतलब आपको ये फील नहीं आएगा कि आप इंडिया के बाहर दिवाली मना रहे हो, इतने दूर रह के फैमिली से दूर, यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है, तो आपको इंडिया की बिल्कुल याद नहीं आएगी कि मतलब कुछ चीज़ें कम है हमारे पास और उसमें हमको चलाना पड़ रहा है। पीतल के दिए भी दिख रहे हैं और लक्ष्मी और गणपति और सरस्वती की मूर्तियां भी है, तो जिससे ये कहना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप नीदरलैंड्स में रह के दिवाली मना रहे हो। अगर आप ये सब चीज़ें इंडिया के जैसे खरीद लेते हो और फिर यहाँ पे दिवाली मनाते हो तो आपको सेम टू सेम इंडिया वाली ही फीलिंग आएगी। ये देखिए रंगोली के इतने सारे कलर्स हैं यहाँ पे। फ्रेश मिठाई इन द फ्रिज। ये पंजाब से आई है। ये कौन सा स्वीट है? ये चने के साथ ब्लैक चने है, उसके साथ बर्फी बनाई हुई है। अच्छा अच्छा थैंक यू। तो यहाँ मैंने दिवाली की शॉपिंग कर ली है स्पाइस से, मैंने मिठाई खरीदी है, रंगोली खरीदी है, दिए खरीदे कुछ और लक्ष्मी की मूर्ति खरीदी है, तो काफ़ी सारा सामान मैंने ले लिया है यहाँ से। और काफ़ी अच्छी अच्छी मिठाई आई है और काफ़ी सारा इंडियन डेकोरेशन वाला दिवाली का काफ़ी सारा स्टफ़ आया हुआ है और पूरा दिवाली मेला लगा हुआ है। एक्चुअली आप कह सकते हो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, भगवान की मूर्तियाँ है पीतल की और काफ़ी सारी है, आपको मेरे वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये था मेरा आज का दिवाली शॉपिंग का वीडियो। इसके पहले भी मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी और कुछ चीज़ें इंडियन स्टोर से लेने बाकी थी, तो वो आज मैंने ले ली है और अभी होगी मेरी दिवाली की शॉपिंग। तो ये था आज का दिवाली वाला वीडियो, दिवाली शॉपिंग वाला। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक वीडियो में, टिल देन बाय।